दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच एक और जहां 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने 6 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। एक बार फिर दो दोस्तों की यारी परवान चढ़ती हुई दिखी। मोदी और बेंजामिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन इस बीच एक और मुलाकात हुई, जिस पर भले ही मीडिया का ध्यान ना गया हो, लेकिन दुश्मनों की नजरें तो सिर्फ उसी पर ही टिकी हुई थी। जी हाँ, देश की सुरक्षा के लिहाज से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और इजरायली समक्ष मेयर बेन शाबत के बीच मुलाकात हुई, जो कि करीब 3 घंटों तक चली, जिसमें सुरक्षा से लेकर आतंकवाद पर सहयोग को लेकर लंबी बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो इस सीक्रेट बातचीत में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक को लेकर भी बातचीत हुई। आपको याद दिला दे कि स्पाइक वही मिसाइल है जिसका करार कुछ वक्त पहले भारत सरकार ने रद्द कर दिया था। ये बात तो हर कोई जानता है कि रक्षा क्षेत्र में इजराइल भारत का सबसे बड़ा मददगार है। ऐसे में डोवाल और इजराइल की इस सीक्रेट मीटिंग से दुश्मनों के पेट में मरोड़े आने तो बनते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।